हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। मैं अरविंद सिंह आप लोगों के लिए आज फिजिक्स का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये लेक्चर नंबर 8 है। आई होप कि आपने पहले एक 7 लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले इन्हें देख लें, तभी आपको ये आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। पिछले लेक्चर तक हमने बात किया था कि सेल का कम्बिनेशन क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आज बात करने वाले हैं हम किरकॉफ लॉ के बारे में। किरकॉफ लॉ बहुत फेमस लॉ है। ये 1942 में किरकॉफ ने दिया था और इन्होंने दो लॉ दिए थे। एक लॉ था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में और दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कहा कि किसी भी पॉइंट पर, किसी सर्किट में कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर सर्किट में चाहे कितने भी जंक्शन हो, कोई करंट एक्युमुलेट नहीं होता। मतलब कोई करंट जमा होता ही नहीं। चूंकि कोई भी करंट जमा नहीं होता, इसका अर्थ है कि जितना वहां पर आता है वही उतना ही वहां से निकल जाता है। तो किसी भी जंक्शन पर, सर्किट के किसी भी जंक्शन पर कोई करंट एक्युमुलेट नहीं होता। मतलब जितना लिया उतना ही दिया, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो बैलेंस क्या हुआ? जीरो। सेविंग क्या हो गई? जीरो। इसी तरह से जितना करंट वहां पर आया उतना ही करंट वहां से गया। सिंगल वायर में तो ये हम पहले से हमारे कॉमन सेंस से हम जानते थे कि भाई जहाँ करंट का फ्लो हो रहा है तो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंगल वायर में वो आई करंट थ्रू आउट द वायर करंट आई ही फ्लो होगा, ये हम लोग जानते थे। लेकिन अब बात आती है कि एक जगह पे तो आई करंट फ्लो हो रहा था एक सिंगल वायर में, लेकिन अगर दो वायर है, तीन वायर है, चार वायर है और सब उसी जगह से पे जुड़े हुए हैं तो क्या होगा? तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब किया था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कहा था कि करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कहा था कि करंट जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। जैसे तीन रेजिस्टेंस है, तीन में हमने बांट दिया कि एक में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3 गया। यानी I जो है वो तीन भागों में बट गया, I1, I2, I3। अब इसमें एक सोर्स था इनकमिंग का, तीन सोर्स था आउटगोइंग का, तो हमने लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन अब सवाल ये है कि सोर्स भी कई सारे हों तो क्या होगा? सिर्फ एक ही जगह से करंट नहीं आ रही हो, एक जगह से करंट आ रही है और तीन जगह जा रही है, तो हमने लिख दिया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन अब है कि सोर्स भी कई सारे हों, दो तीन जगह से करंट आ रही है और दो तीन जगह जा रही है, तब क्या होगा? करंट का मैग्नीट्यूड और कितने वहां पे करंट होगा? तब भी ये कहना उनका है कि उस जंक्शन पे जहां दो या दो से अधिक कंडक्टर जुड़े हैं, वहां पर जितना इनपुट होगा करंट का उतना ही आउटपुट भी होगा। चूंकि जंक्शन की बात की जा रही है, इसलिए इस रूल को जंक्शन रूल भी कहा जाता है। जंक्शन रूल भी कहा जाता है क्योंकि बात जंक्शन की हो रही है, बात करंट की हो रही है, और ये एक जंक्शन पे टोटल एक्युमुलेशन जो है वो जीरो है। किसका एक्युमुलेशन जीरो है? चार्ज का एक्युमुलेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि करंट कुछ और नहीं है, करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना वहां पर चार्ज आता है उतना ही वहां से चार्ज निकल के जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज भी। तो इसलिए कहेंगे कि ये जो रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज के बारे में बात कर रहा है। तो दो बातें हुई कि इसको या तो जंक्शन रूल के नाम से जाने, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल के नाम से जाने, या कहें किरकॉफ फर्स्ट लॉ। तो ये है किरकॉफ फर्स्ट लॉ। आइए इस पे बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किरकॉफ फर्स्ट लॉ, किरकॉफ, मैं बचपन में इसको किरचॉप्स पढ़ता था, अभी भी कुछ लोग पढ़ते हैं किरचॉप्स लॉ।
और लेकिन बोलते हैं अंग्रेज लोग इसको किरकॉफ लॉ, तो आप हिंदुस्तानी हैं तो किरचॉफ भी बोल सकते हैं, अंग्रेज आइटम फॉलो करते हैं तो आप किरकॉफ बोल सकते हैं, किरकॉफ लॉ। देर आर टू लॉज, फर्स्ट लॉ, हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, क्या कहा उन्होंने फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल करंट एट ए जंक्शन जंक्शन इज जीरो, दैट इज जंक्शन पे कितना टोटल करंट कितना होता है, जीरो, दैट इज देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ करंट करंट एट एनी जंक्शन, ठीक है, इसलिए इसको जंक्शन रूल कहा जाता है। इट मीन्स द टोटल इनपुट ऑफ करंट एट दैट पॉइंट दैट जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ करंट एट दैट जंक्शन। अब रूल लिखना है तो इतनी सारी कहानियां तो लिखेंगे नहीं, तो उन्होंने ये लिखा इन शॉर्ट रूल को, इस तरीके से इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं, जंक्शन रूल है तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, द अलजेब्रिक सम, ये अलजेब्रिक सम, क्योंकि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका क्या होगा, इसका स्केलर सम होगा, तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो, क्या मतलब हुआ इसका, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो, अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रा बिना साइन के तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को, इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन पे जाना होगा। इसका मतलब है कि किसी भी जंक्शन पे, ये एक जंक्शन है, यहाँ पे ये करंट आ रहा है, ये करंट भी आ रहा है, और हो सकता है कि ये करंट जा रहा है, यहां से ये करंट जाने वाले, ये जो है वो जा रहे हैं, यहां से ये जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं, ये I1 जो है आने वाला, I2 जो है इस जंक्शन पे आ रहा है, और यहां से करंट तीन भागों में जा रहा है, I3, I4, I5, ऐसे मान लेते हैं, तो दो तरफ से करंट आ रहा है और तीन ओर करंट जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जंक्शन पे नेट करंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है कि सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब सवाल ये है कि सब कुछ कुछ प्लस करेंगे तो जीरो कैसे हो सकता है, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कैन नॉट बी जीरो, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो करंट आ रही है, इनकम हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं जैसे, उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, अब खर्च हो रहे हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, निगेटिव, तो उसी तरह से यहां पर जो इनकमिंग करंट है टुवर्ड्स द जंक्शन उसको मान लेते हैं पॉजिटिव साइन, और जो आउटगोइंग करंट है उनको हम क्या मान लेंगे, निगेटिव साइन, तो इसलिए जो इनकमिंग करंट होगा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखने के लिए ये किया गया कि ऐसे न लिख करके ये लिखा जाए कि I1 क्या है, पॉजिटिव, तो I2 क्या है, ये आने वाले करंट है तो पॉजिटिव, और I3 क्या है, निगेटिव,
तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया। आई फोर क्या है? निगेटिव, तो इसको भी ऐसे लिखा गया। और आई फाइव क्या है? निगेटिव, तो इसको भी ऐसे लिखा गया। और इनका सम जीरो, यानी इनकमिंग करंट को पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को निगेटिव मान लिया गया। इसका मतलब हुआ कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसको लिख सकते हैं आई फोर माइनस आई फाइव माइनस आई सिक्स, चाहे आई आई थ्री निगेटिव है, सॉरी आई सिक्स तो है ही नहीं, तो आई थ्री भी निगेटिव है। तो ये हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इज इक्वल टू जीरो। या ये कह सकते हैं कि आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। इसका मतलब ये आई वन आई टू क्या है? टोटल इन कमिंग करंट, टोटल ऑफ इनकमिंग करंट है ना, एंड ये क्या है? टोटल ऑफ आउटगोइंग करंट, टोटल ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। इसका ये प्रूफ हो गया कि जितना आया उतना ही गया, टोटल जितना आया इस जंक्शन पे उतना ही आउट गया। टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, ये कह सकते हैं इनफैक्ट कि टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। इसलिए इसको हम कहते हैं जंक्शन रूल। ये एक जंक्शन की बात हो रही है इसलिए इसको कहा गया जंक्शन रूल। सो दिस इज कॉल्ड जंक्शन रूल, बिकॉज कि ये जंक्शन की बात कर रहा है तो इसलिए इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। चूंकि यहाँ पे करंट एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, करंट इज नथिंग एल्स बट फ्लो ऑफ चार्जेज, तो चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। दिस लॉ डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, दिस लॉ इज डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, दैट इज देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेज एट एनी जंक्शन, नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेज एट एनी जंक्शन। तो ये सारी बातें हो गई इस रूल के हिसाब से, ये फर्स्ट रूल कहा गया और इस फर्स्ट रूल में ये सारी बातें कही गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा है ना कि कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसको और ज्यादा मॉडिफाई करके और ऐसे किया गया, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से कहें कि नहीं ये नहीं करके और ऐसे किया गया, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ, विथ साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है कि जो इनकमिंग है उसको पॉजिटिव, जो आउटगोइंग है उसको निगेटिव, ये है। तो दिस इज अ रूल, फर्स्ट रूल। तो इस रूल को थोड़ा और बेहतर तरीके से इस तरह से कहा जाता है कि द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो एग्जैक्ट आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं है ना, और इस तरीके से कि टोटल सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज टोटल करंट, करंट एट एनी जंक्शन चाहे जितने भी हो, इनकमिंग हो आउटगोइंग हो कितने भी हो, सबका मिला करके क्या होगा इस जंक्शन पे? जीरो। अगर ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ठीक है, ये आउटगोइंग है, तो ये टोटल मिलकर के जीरो होगा। आई वन आई टू जैसे पहले कहा था, ये आई थ्री ये आई फोर ये आई फाइव, तो ये क्या होगा? जीरो, ठीक है ना। आई वन प्लस आई टू प्लस माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल एंड दिस लॉ डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। अब बात करते हैं सेकेंड रूल का, किरकॉफ्स, किरकॉफ्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। ये लॉ क्या है? ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कहाँ से मिलता है जी?
बैटरी से, बैटरी में क्या होता है, ईएमएफ होता है, और ईएमएफ टोटल जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। ये इस रूल का बेसिक लल्लुलुआब है कि टोटल जो एनर्जी जितना है उतना ही खर्च होगा। ये कॉमन सी बात है, ये तो किरचॉफ बड़े साइंटिस्ट थे उस समय, लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे होते थे तो ये लोग अपने अपने नाम से लॉ बना दिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने आपके पास आमदनी होगी उतना ही तो खर्चा होगा, है ना, आपके बोतल में जितनी पानी है उतना ही तो पियोगे, उससे ज्यादा कैसे पी लोगे। तो ये है कि जितना हमारे पास आएगा उतना ही खर्चा होगा। अब ये मत कहना कि हम दूसरे के बोतल से पी लेंगे या कर्ज काट के खर्च कर लेंगे, ये बात नहीं होती। ये बात तो ये है कि जितना आया उतना ही खर्च हुआ, कर्ज भी लिया तो आपके पास आया, बोतल का पानी भी कहीं और से लिया तो आया आपके पास, ठीक है ना। तो जितना आएगा उतना ही खर्च होगा। तो यहाँ पे खर्च जो है वो कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी है। जितनी एनर्जी इनपुट होगी उतनी ही आउटपुट होगी। इसको लूप रूल भी कहा जाता है। क्यों लूप रूल कहा जाता है, क्योंकि ये एक लूप की बात करते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में, पहले भी था हालांकि वो ओपन सर्किट में था, होता था, और यहाँ पे क्लोज सर्किट में बात हो रही है। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट कहीं भी होगा हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्लोज सर्किट की ही बात होगी, ये ओपन सर्किट में नहीं हो सकता। पहला वाला रूल ओपन सर्किट में भी हो सकता है, क्लोज सर्किट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट करंट फ्लो तभी होगा जब सर्किट क्लोज होगा। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, आपको पता ही है कि जब सर्किट ओपन होगा तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। करंट का फ्लो तो तभी होगा जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, है ना। तो सर्किट क्लोज होगा तब करंट का फ्लो होगा, सर्किट ओपन होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। बहुत लिटिल मोमेंट के लिए, फ्यूचर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जितनी देर तक कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है उतनी ही देर होगा, उससे आगे नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये लूप रूल भी कहा जाता है, इसको हम लूप रूल के नाम से भी जानेंगे। तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, लूप रूल, लूप लॉ, ठीक है, इसको लूप लॉ भी कहा जा सकता है। ये क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट दैट द टोटल ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट और एनी क्लोज लूप, ये भी कह सकते हैं लूप ही होता है, और एनी क्लोज लूप ठीक है, द इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस थ्रू व्हिच इट पासेज यानी टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल सिग्मा ईएमएफ, ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, ये इसका लल्लुलुआब, ये इसका जिस्ट है, ये इसका समरी। टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर ईएमएफ एक से ज्यादा हो तो उनका सम होगा, और रेजिस्टेंस और करंट एक से ज्यादा होंगे तो उनका सम होगा। इसका मतलब है ईएमएफ क्या है, चार्ज है, टोटल चार्ज है, एनर्जी है। ईएमएफ से क्या मिलता है, बैटरी से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये भी एनर्जी है और ये पोटेंशियल वोल्ट के रूप में वी इज इक्वल टू आई आर है, ये भी एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिस लॉ डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब ये सवाल जो है पहली है कि ये किसी लूप में होगा, किसी लूप में होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये
गंदा दिख रहा है, नीचे लिख दो, ये किसी लूप में होगा। तो लूप हमें कैसे भी ले सकते हैं। अब लूप का मतलब क्या होता है, ऐसे हो सकता है या लूप ऐसे हो सकता है। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई भी लूप ले सकते हैं। अब सर्किट में लूप कैसे लेंगे ये देखने वाली बात है। तो पहले एक सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि लूप कैसा होगा। तो आइए एक डायग्राम से हम इसे सीखते हैं कि कैसे होगा ये, और इसमें एक डायग्राम बनाते हैं जहां पे पोटेंशियल और ये करंट को हम मेजर करेंगे। यहां से ये मान लेते हैं कि ये E1 E2 दो बैटरी है, ऐसे थोड़ा सा मोटा ले लो। एक सर्किट बनाया हमने और इस सर्किट में मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी है प्लस माइनस, एक बैटरी है E1। सर्किट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर फिर एक बैटरी मान लेते हैं और ये बैटरी है E2। इधर भी प्लस, ये माइनस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और इन तीनों को जोड़ दिया, ये सर्किट को, सर्किट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब करंट, चूंकि ये बैटरी है, ये कनेक्शन है पूरी तरह से एक सर्किट, ये मान लेते हैं कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीन रेजिस्टेंस है। अब यहां से बैटरी, ये यहां से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है आपको पता है, तो यहां से करंट जो निकल रहा है उसको हम I1 मान लेते हैं। यहां से जो करंट निकलेगा, यहां से भी पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ ना कुछ करंट रिलीज होगी, तो इस करंट को I2 मान लेते हैं। इस जंक्शन पे ये करंट भी पहुंचेगा इधर से I1 और इधर से पहुंचेगा I2, तो ये दोनों मिल करके इस जंक्शन पे आउटगोइंग करंट एक ही होगा, क्योंकि दो इनकमिंग करंट है, तो यहाँ पे होगा I1 प्लस I2 होगा। ये I1 प्लस I2 इधर की तरफ जाएगा, है ना, जो जिस करंट को हम मान सकते हैं I3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज से I3, कुछ करंट का मैग्नीट्यूड होगा I3। तो I3 करंट इधर फ्लो हो रहा है जो कि I1 और I2 के बराबर है, इधर से I3 आ गया और ये I2 इधर से फ्लो होकर के गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये करंट I1 फिर इधर चला जाएगा वापस और I2 यहां से इधर वापस आ जाएगा। तो यहां से फिर जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा इधर की तरफ होगा I1 और इधर की तरफ होगा I2, तो ये I2 इधर की तरफ आ जाएगा I3। तो ये एक सर्किट में ये पूरा I2 करंट यहां से यहां तक I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहां से यहां तक ये I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें फिर से I1 होगा, है ना। अब इनके कुछ नाम दे दिए जाए, अगर ए बी, बी इसको लिख देता हूं, ये है सी, ठीक है, सी डी ई एफ। अब यहां पे कितने लूप बन रहे हैं, यहां पर कई लूप बन रहे हैं। एक लूप बन रहा है ए बी ई एफ, दूसरा लूप बन रहा है बी सी डी ई, तीसरा लूप बन रहा है ए सी डी एफ। किसी भी लूप में जो हमने कहा टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस थ्रू विच द करंट इज पासिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम लूप लें ए बी सी डी या ए बी ई एफ, तो क्या होगा, इन लूप ए बी ई एफ, अब चूंकि ये अल्जेब्रिक सम है तो अल्जेब्रिक सम में डायरेक्शंस का बहुत मायने रहता है, किस डायरेक्शन को ले पॉजिटिव और किस डायरेक्शन को ले निगेटिव। तो आपको सीधे सी बात बता देते हैं कि जब बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हो इस डायरेक्शन में ले, इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर निगेटिव टर्मिनल से रिलीज हो रहा है या निगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये हमने कहा कि यहां से अगर करंट निकल रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन से, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव। अगर ये करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इंटर कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से रिलीज हो रहा है और फिर ये निगेटिव टर्मिनल से इस बैटरी में इंटर हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको कहते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग पोटेंशियल।
तो अगर रूल ये है, रूल वन, कि ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव, ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव पॉजिटिव इफ इट ट्रेवल थ्रू या ट्रांसवर्स थ्रू ट्रेवल्स थ्रू इंक्रीजिंग पोटेंशियल पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और ईएमएफ को हम लेंगे निगेटिव, एंड ईएमएफ ईएमएफ इज टेकन निगेटिव इफ इट इज इट ट्रांसवर्स वर्स थ्रू डिक्रीजिंग पोटेंशियल पोटेंशियल। व्हाट इज दैट डिक्रीजिंग पोटेंशियल? मतलब दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव डिक्रीजिंग पोटेंशियल है और निगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीजिंग पोटेंशियल है। मतलब सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ईएमएफ जब पॉजिटिव टर्मिनल से ये निकल रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपकी डायरेक्शन जो लूप है उसमें ये पॉजिटिव से एंटर कर रहा है तो उसको हम लेंगे निगेटिव। पॉजिटिव से एंटर कर रहा है तो निगेटिव, पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव। यही बात दिमाग में रखनी है। अब करंट की डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, तो करंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप लूप का जो डायरेक्शन होगा दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अदरवाइज वाइज इफ निगेटिव निगेटिव इफ इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लूप। अब ये बात तभी समझ में आएगी जब आप लूप बनाएंगे। लूप आप कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज दे रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं? तो लूप हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले रहे हैं, एक लूप की बात कर रहे हैं, और ये लूप है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब इस पे हम ए से शुरुआत कर रहे हैं तो ये ले रहे हैं ए बी ई एफ, यानी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज लूप, एंटी क्लॉकवाइज लूप हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज लूप, क्लॉकवाइज लूप हो गया ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ए से ले रहे हैं तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब करंट क्या होगा? तो यहां इसी डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन इस लूप की डायरेक्शन में ही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आई थ्री पॉजिटिव होगा, आई थ्री आर टू ये पॉजिटिव होंगे, प्लस अब इसी डायरेक्शन में ये देखिए, इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में, ये लूप की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आई वन भी पॉजिटिव होगा और आर वन भी पॉजिटिव होगा, आई वन आर वन, ये हो गया लूप में। अगर दूसरे लूप की बात करें, इन लूप दूसरा लूप कर लेते हैं, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ठीक है, और इसमें भी हम ले लेते हैं क्या, इसमें ले लेते हैं हम क्लॉकवाइज, मान लीजिए ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज लूप लिया हमने, क्लॉकवाइज लूप, तब क्या होगा? अब ये E2 हम अगर पॉजिटिव लेते हैं, E2 पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज हो रहा है करंट। अच्छा, अब हम लेंगे तो I3 क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसी डायरेक्शन में I3 है, तो I3 R3 पॉजिटिव होगा, I3 R2 क्या होगा? पॉजिटिव। और यहां से करंट ले रहे हैं, इधर की ओर आ रहा है, फिर इसी डायरेक्शन में ये करंट है, और इस डायरेक्शन में जो हमने लिया है लूप के डायरेक्शन में, तो I2 करंट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए I2 R3 भी क्या होगा? पॉजिटिव, I2 R3 भी क्या होगा? पॉजिटिव, ये हो गया। अगर हम ये कहें कि हम लूप लेते हैं पूरा A B
बी सी डी ई एफ तो क्या होगा? इन लूप ए बी सी डी ई एफ, इन लूप पूरा ले लें, ए बी सी डी ई एफ ए पूरा लूप हो गया है ना। इसी तरह से फिर यहाँ ए हो गया, जहां से शुरू वहां से खत्म, यहां से बी हो गया पूरा लूप। तो आप कह सकते हैं इस पूरे लूप में अगर लें तो क्या होगा, इवन क्या होगा, पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव होगा, यहां से रिलीज हो रहा है। अब यहां से अगर हम ले रहे हैं तो ये बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, लूप ये हो गया पूरा, पूरा क्लोज सर्किट का लूप ये हो गया है ना, ये पूरा लूप हो गया, ये बीच वाले का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ए बी ए सी, बी हो रहा है लेकिन बीच वाला नहीं है, बी सी डी। तो सी में क्या होगा, यहाँ पे जो आप जा रहे हैं तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, जब हम लूप के अगेंस्ट है, ये लूप के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि यहां पे अब हम जब डायरेक्शन ले रहे हैं तो लूप के अगेंस्ट ये जा रहा है, और ये पॉजिटिव से निगेटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दैट इज डिक्रीजिंग पोटेंशियल हो रहा है, इसलिए ई टू को क्या लेंगे, माइनस में है ना, ये डायरेक्शन जो होगी वो माइनस होगी। अब करंट की डायरेक्शन लें तो यहां से आई वन आई टू, आई टू करंट ऐसे जा रहा है ना, ये निगेटिव होगा क्योंकि ये जो है करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, लूप की डायरेक्शन अलग है, करंट की डायरेक्शन अलग है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी है और लूप की डायरेक्शन हम ले रहे हैं ऐसे, जब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये अगेंस्ट है, इसलिए क्या होगा, आई टू आर थ्री निगेटिव होगा, आई टू आर थ्री क्या होगा, निगेटिव। प्लस इधर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर में एक रेजिस्टेंस है और ये उसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो आई वन आर वन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से इस लूप को डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, और जब लूप में किसी भी लूप में करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज हो रही है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो करंट की डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, अगर लूप की डायरेक्शन के अगेंस्ट है करंट की डायरेक्शन को तो हम लेंगे निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एक लूप में कर सकते हैं, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी है ना, और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये जो लॉ हुआ वो पूरी की पूरी तरह से क्या हो गया, ये आप यहाँ भी सर्किट में देख सकते हैं कि जैसे ये सर्किट है तो क्या होगा, इस सर्किट में, इस सर्किट में अगर हम सर्किट ऐसे लेते हैं आई वन तो ये करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों सेम हो गई, ये रेजिस्टेंस यहाँ से पॉजिटिव ले तो ई वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, ई वन होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और आई वन प्लस आर वन ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव, तो ई इज इक्वल टू आई वन आर वन, एक ही रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इस लूप में लेते हैं तो ये आई टू आर टू, ये भी करंट का डायरेक्शन का क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस आई टू आर टू, इस लूप की अगर हम बात करते हैं। इस तरह से अगले लूप की बात करेंगे तो उसमें भी हम ले लेंगे, यहाँ पे आई टू क्या होगा, ई टू क्या होगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि करंट लूप के डायरेक्शन के अगेंस्ट है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ई टू क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव, माइनस ई टू इज इक्वल टू, इस लूप की बात करें तो इस लूप में क्या होगा, अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ से करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ भी करंट की जो डायरेक्शन है वो इसमें इधर की ओर है, यहाँ पे इधर की ओर है, तो लूप की डायरेक्शन के साथ है, तो आई, ये जो करंट है आई वन माइनस आई टू इंटू आर थ्री, वो क्या होगा, पॉजिटिव, आई वन माइनस आई टू इंटू आर थ्री ये क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ से करंट जा रहा है तो इस लूप में इस डायरेक्शन के पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना, ये करंट इधर से आ रहा है और हमारा डायरेक्शन जो है वो इधर से जा रहा है, इसलिए क्या होगा, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए भी क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव था और ये है निगेटिव, तो ये हो जाएगा I2 R2। इस तरीके से आप कहीं पर भी किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन और EMF की डायरेक्शन दोनों को डिसाइड कर सकते हैं, और डिसाइड करने के बाद आप इसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। तो हमने दो रूल सीखे आज, एक फर्स्ट लॉ सीखा,
और एक लिख सेकंड लॉ, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। पहली चीज तो यही है, ये है जंक्शन रूल और ये है थोड़ा सा लूप रूल, इसको लूप रूल के नाम से जानते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है जी? ये बात कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, ठीक है, चार्जेज। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से है कि टोटल करंट जो है वो क्या है, जीरो। और यहाँ पे क्या है, टोटल आईआर जो है वो है जीरो, ईएमएफ टोटल जीरो है, यानी टोटल आईआर इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ईएमएफ, ये हो गया। ये जो है ये दिस कैन बी यूज इन ओपन एंड क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, क्लोज सर्किट, ठीक है। ये ओपन सर्किट में भी लागू है, क्लोज सर्किट में भी लागू है, ये है ओनली क्लोज सर्किट में होगा, क्लोज सर्किट में होगा, है ना। तो ये इनमें बीच में डिस्टिंक्शन है और ये बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। और ये बात अगर आप समझ गए हैं ये थोड़ा सा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला एप्लीकेशन इसी पे होगा, किर्चॉफ रूल पे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे अप्लाई होगा उस पे हम बात करेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।